नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविशन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th of January 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविशन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी तो उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है avision.co.in, जहां पर जितने भी कोर्सेज हैं जो हमारे द्वारा यहाँ पर अवेलेबल किए जाते करवाए जाते हैं, तो WBCS हो, SSC हो, रेलवे हो या बैंक हो, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं अवेल कर। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिलेगी। ठीक है, तो बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों जो नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन की पहली न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। केरा यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनॉग्रेट किया बेसिकली दोस्तों कुंभ, कृषि कुंभ 2023। 3 दिन का बेसिकली क्या रहेगा आपका प्रोग्राम रहेगा, ये आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा क्या है ये, तो मैं इसकी बात करते हैं। टुक पार्ट इन द 49th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स ऑफ NEH रीजन UER। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि क्या इसका एडिशन था और कितने दिन का ये बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा प्रोग्राम जो है, तो ये 3 दिन का यहाँ पर क्या है पूरा प्रोग्राम है ये बता दूं। और इनॉग्रेट करने वाले शख्स कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कौन है आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ज्यादा इसमें बेसिकली दोस्तों फार्मर्स को और फार्मिंग को ऑनर किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक फंक्शन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इवेंट यहाँ पर चलाया जाएगा, इसमें फार्मर्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फार्मर्स की या फार्मिंग की, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, ठीक है, जितनी भी क्या है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है किसको लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, वो सारी स्कीम्स या फिर वेलफेयर स्कीम जो है वो सब यहाँ पर चलाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, कम से कम 102 स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, 102 स्टॉल्स यहाँ पर लगेंगे, और पूरा ये रीजनल सेंटर जो है नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 का, उसमें ये 102 स्टॉल एग्जिबिट करेंगे, मतलब एग्जिबिशन पर जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान रखेंगे, 3 दिन का एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑरेंज हो गया, किंग चिली हो गया, या फिर कचाई लेमन हो गया, ठीक है, या फिर भूत झुलकिया जो होता है, जो जिसको हम नागा झुलकिया भी बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची, ठीक है, वो उसकी बात हो गई, इन सब का एग्जीबिशन यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द 3-डे नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इन विच स्टेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, मेघालय, राइट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाता है, मेघालय हो जाता है। ये बात आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे चैनल है जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता है, देखो जो पढ़ा रहे हो सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ा तो रहे हैं लेकिन ये वो MCQ कैसे उसमें पूछा जाएगा, ये सिर्फ दोस्तों बहुत कम जन बताते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ लेते हैं, न्यूज हमारे पास होती है, बुलेट पॉइंट कैसे बनाने हैं वो हम आपको बताते हैं, और उस पर कैसे आप MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक बड़ी चीज है, राइट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोलता है वो देखते हैं।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिपोर्ट्स ऑफ मिसिंग 50 एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, क्या है ये दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट दैट 50 ऑफ इंडिया 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैव बीन मिसिंग. द सबमिशन ऑफ मिसिंग रिपोर्ट वॉज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन 8th ऑफ दिसंबर 2022 टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट टाइटल इश्यूज रिलेटेड टू अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. तो दोस्तों आज भी कम से कम 3600+ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कि मिसिंग है, और उनके ऊपर रिपोर्ट दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ताकि आर्कियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस है वो बरकरार रहे इंडिया में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है वो सही तरीके से हो सके. हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होता है दोस्तों, बता दूं मैं आपको, वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर. किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी साइट्स है 100 साल 6 साल से पुरानी मॉन्यूमेंट जो है उनको यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, शोकेस में लेकर आते हैं, दुनिया की नजरों में लेकर आते हैं और उन्हें वहां पर प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, ठीक है. तो ये सारी चीजें उनका देखभाल करना है जो भी चीजें है ना, तो वो एक आपका एक टूरिज्म साइट भी बन जाती है, ठीक है. तो ऐसी बात, तो इस पर क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स आउट ऑफ 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया हैव गॉन मिसिंग एज पर द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो करेक्ट हो जाएगा आपका 50, है ना. आगे चलते न्यूज नंबर 3 के ऊपर. जालना एंड नागपुर पुलिस वॉन बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड इन महाराष्ट्र. क्या है दोस्तों ये? तो जालना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और नागपुर सिटी पुलिस, इनको बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, 2021 के लिए. इन द स्टेट अंडर डिफरेंट क्लासेस फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इवॉल्विंग कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. The Jalna Police got the award in Class A and Nagpur Police got the award in Class B. The winner were announced by Additional Director General of Police, Law and Order, Kulwant Sarangal. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों Class A की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आता है आपका Jalna District की Police Unit, और Class B की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आती है आपकी Nagpur City की Police Unit, ठीक है. तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है. साथ ही साथ दोस्तों इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर केसेस देखे जाए ग्रुप ए में, तो पुलिस यूनिट्स ने कम से कम 6000+ केसेस सॉल्व किए रहते हैं, ठीक है. और क्लास बी की अगर मैं बात करूं तो वही 6000 से नीचे, ठीक है. क्लास ए की अगर मैं बात करूं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो सेकेंड बेस्ट पुलिस यूनिट में आया है, क्योंकि पहला तो कौन है आपका जालना है, तो क्लास ए में रायगढ़ दूसरा है, ठीक है. वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों के मतलब बेसिकली सिलेक्टेड कौन से बेस्ट आपके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस यूनिट रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है ना, कि नागपुर, जालना और राजगढ़, ठीक है, सिंपल बात है ये. औरंगाबाद रूरल पुलिस का भी यहाँ पर नाम आया है क्लास ए के शेड्यूल में, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर, है ना. अच्छा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली इन दो डिस्ट्रिक्ट पर पूछ सकता है, नागपुर जालना. तो देखो, विच सिटी पुलिस हैज वॉन द बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड इन 2021. तो आपको सिटी पुलिस है तो नागपुर हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो कौन सा हो जाएगा, जालना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है. आगे बढ़ते, न्यू बुक बाय संजीव सयाल, रेवोल्यूशनरीज ऑन रोल ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. तो देर आर न्यूमरियस व्यू पॉइंट्स ऑन हिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ देम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑथर एंड हिज एंड हर आइडियोलॉजिकल गोल. The more distorted or perspective is at the expected version of history, the longer it holds away, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली संजीव सयाल के द्वारा लिखी गई एक बुक है रिवोल्यूशनरीज, जिसमें इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात की गई है, ठीक है. इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम देखते हैं. द बुक रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इज ऑथर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, और करेक्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, संजीव सयाल, ठीक है. तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है. और ये बुक्स एंड ऑथर्स का जो सेक्शन है ना, वो मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है, या फिर कभी आपको ऑथर का नाम देकर बुक का नाम पूछ सकता है, या बुक का नाम देकर ऑथर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखेंगे. आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर. और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज हमारे सामने आ गई है दोस्तों. पर्पल फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टार्ट्स इन गोवा.
The eagerly anticipated Purple Fest, celebrating diversity, the state's first ever inclusive festival for people with disabilities, will take place in Goa. Panjim will host the festival from January 6 to 8 with all the fanfare. राइट right? 3 दिन का यहाँ पर ये क्या रहेगा फेस्टिवल रहेगा, नाम है पर्पल, और ध्यान रखना पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए फंक्शन है या मतलब फेस्टिवल है, ठीक है। तो बेसिकली 3 डे फेस्टिवल पर्पस इज टू डिमॉन्स्ट्रेट टू एवरीवन हाउ टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी एंड टू हाउ टू हेल्प वन अनदर। द गोवा स्टेट कमीशन ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज इन कोलैबोरेशन विद द गोवा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एंटरटेनमेंट सोसाइटी विल होल्ड द पर्पल फेस्ट। द फेस्टिवल हैज रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज एंड डेलीगेट्स फ्रॉम थ्रू आउट द नेशन आर पार्टिसिपेटेड और एंटिसिपेटेड टू अटेंड टू टेक अ पार्ट इन द मैग्निफिशेंट सेलिब्रेशन। राइट, तो ये ध्यान रखना कि जितने भी यहाँ पर डेलीगेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, विद इम्पेयरमेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, फ्री यहाँ पर उनके लिए प्रोग्राम रहेगा। अदरवाइज रिमेनिंग डेलीगेट्स के लिए ₹1000 एंट्री फ्री यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अगर ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो 50% डिस्काउंट उस पर चल रहा है, और पूरा ग्रुप कम से कम मोर देन 10 और 10 प्लस डेलीगेट्स का होना चाहिए, तो वो एक ग्रुप माना जाएगा जिसकी ₹500 एंट्री फीस लगेगी। अगर अकेले डेलीगेट जा रहा है तो ₹1000 लगेगी, और यहाँ पर स्टूडेंट जो इम्पेयरमेंट के साथ जा रहे हैं, मतलब कोई डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पर जा रहे हैं, तो उनके लिए फ्री है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, बता दूं मैं आपको। इस पर्पल फेस्ट में होता क्या है दोस्तों, ये थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो पर्पल फेस्ट में पूरा जो है एंटरटेनमेंट का स्कोप है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट इंक्लूड्स व्हाट, इंक्लूड्स स्टैंड अप कॉमेडी, आजकल बड़ा ये चल रहा है, ठीक है, डांस तो है ही, ठीक है, उसके बाद आपका म्यूजिक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका गेम्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होती है, बर्ड वॉचिंग होती है, ठीक है, उसके बाद एग्जीबिशन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद ब्लाइंड ऑटोमोबाइल रैली होती है। तो इस तरीके के यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, एक्टिविटीज होती है ताकि मनोरंजन बना रहे। पर्पल फेस्ट ध्यान रखिएगा गोवा में पीडब्ल्यूडीज के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिव फेस्टिवल इन इंडिया पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी टुक प्लेस इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका गोवा। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडिया विनय प्रकाश सिंह न्यू एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन जनरल सेक्रेटरी जनरल, तो अपॉइंटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट है ये, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, विनय प्रकाश सिंह अ फॉर्मर मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड वॉज इलेक्टेड एज यूनियन सेक्रेटरी जनरल एंड विल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोजिशन ऑफ 4-year टर्म फॉलोइंग द सक्सेसफुल इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग द 13th अप्पू APPU's कांग्रेस। राइट, तो ये आप इधर क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो इंडिया विनय प्रकाश सिंह, ठीक है, क्या हो जाएगा विनय प्रकाश सिंह, इनको बनाया गया है सेक्रेटरी जनरल किसका, आपका APPU का, ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है बैंकॉक थाईलैंड में एंड विल बी लेड बाय इंडिया स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। राइट, तो ये ध्यान रखेगा आप लोग। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट नाम पर बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया नेम पर क्वेश्चन बनेगा, किसे अपॉइंट किया गया एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ APPU इन जनवरी 2023, तो करेक्ट हो जाएगा आपका विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते, एक्सिस बैंक पार्टनर्स विद ओपन टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है इसके बारे में पूरी बात करते हैं। तो एक्सिस बैंक ने बेसिकली ओपन के साथ, ठीक है, ओपन के साथ क्या किया, पार्टनरशिप की है कि करंट अकाउंट फुल्ली डिजिटली यहाँ पर क्या होंगे, ओपन होंगे। इसके बारे में पूरी आपको चर्चा बताते हैं कि क्या है, क्या क्या इसमें फायदा मिलेगा और क्या क्या इसमें लोग अगर इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट्स यहाँ पर बेसिकली मिलेंगे, ठीक है। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होगा ये, मैं पहले तो बता दूं आपको ये, है ना। और दूसरी बात ये क्या है देखते हैं, एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद ओपन टू प्रोवाइड फुल्ली नेटिव डिजिटल करंट अकाउंट जर्नी फॉर इट्स कस्टमर्स इंक्लूडिंग SMEs, फ्रीलांसर्स, होम एंटरप्रेन्योर्स और इन्फ्लुएंसर्स एंड मोर। दिस हैज बीन बैंक्स फर्स्ट पार्टनरशिप विद फिनटेक प्लेयर टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल करंट अकाउंट। यूजिंग दिस अकाउंट कस्टमर्स कैन अवेल 250 plus banking services and claim up to 50% cashback through Grab deals. With this partnership, all existing Axis Bank account holders also get open all-in-one digital banking platform that is used over 30 lakh business currently. Right? So, यहाँ पर basically क्या है?
कि जितना भी करंट मार्केट है, करंट अकाउंट का जो मार्केट है, उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या कर ले, ग्रैब कर ले एक्सिस बैंक, ये उसका मानना है। क्यों? अगर वो डिजिटली यहाँ पर करेगा तो ज्यादा अच्छा है ना सारी चीजें, मतलब बेसिकली जो फंक्शनल ऑटोमेटिव टूल्स हैं, जैसे पेमेंट हो गया, पेरोल हो गया, कंप्लायंस हो गया, एक्सपेंस मैनेजमेंट हो गया, अगर वो डिजिटल हो जाता है तो वो बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। और हालांकि पूरे केवाईसी के साथ होगा, ये ध्यान रखना, नो योर कस्टमर के सारे टर्म्स यहाँ पर फॉलो करे जाएंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ एफर्टलेसली यहाँ पर हो जाएगा, जीरो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर यहाँ पर रहेगा, कॉन्टेक्टलेस अकाउंट रहेगा, बिल्कुल किसी भी तरीके से बैंक में जाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 250 से ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पर दी जाएगी, 50% कैशबैक यहाँ पर दिया जाएगा ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। और कैशबैक देंगे तो बेनिफिट देंगे तो अपने आप ही खुलेगी कुछ सारी चीजें, राइट। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है ओपन के साथ फॉर द फुली डिजिटल करंट अकाउंट, और बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, कौन सा बैंक हो जाएगा दोस्तों? एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी है ना। आगे चलते हैं, SBI म्यूचुअल फंड गेट्स RBI नॉट टू बाय 10% स्टेक इन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो SBI म्यूचुअल फंड्स या फिर फंड्स मैनेजमेंट जो है यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स लिमिटेड को 9.99% की हाँ मिल गई है एक्वायर करने की, किसका स्टेक? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक थ्रू द स्कीम्स ऑफ SBI म्यूचुअल फंड। द बैंक सेड इट इज एन एक्सचेंज फिलिंग। Franklin Templeton Mutual Fund and DSP Mutual Fund have also received RBI approval of 10% stake in each of this bank. ठीक है, तो यहां पर मतलब बेसिकली SBI Mutual Fund, ठीक है, Franklin और आपका DSP, ये तीनों 10-10% मतलब 9.99 मतलब 10-10 मान लेते हैं, 10-10% का स्टेक यहां पर किसका? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव इट्स अप्रूवल टू SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड टू अक्वायर अ डैश स्टेक इन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक थ्रू स्कीम्स ऑफ SBI म्यूचुअल फंड, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 9.99%, दैट इज योर नियरली 10% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते न्यूज नंबर 9 के ऊपर, हैदराबाद टू होस्ट फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस, क्या है ये? तो काउंटडाउन ऑफ द फर्स्ट एवर ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड कॉमर्स चैंपियनशिप रेस इन इंडिया इज टू हेल्ड इन हैदराबाद। द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप विल हेल्ड फ्रॉम 11th of February। द फर्स्ट टिकट फ्रॉम फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप वॉज बुक्ड बाय तेलंगाना स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार एंड ड्यूरिंग द इवेंट अकबर इब्राहिम President Federation of Motor Sports Club of India and other dignitaries were also present, right? तो यहाँ पर पहली बार हैदराबाद, ठीक है, पहली बार हैदराबाद क्या करने जा रहा है? होस्ट करने जा रहा है फॉर्मूला ई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रेस को, ठीक है। इसकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन कैसे होगा? Among the following, which city is the first to host Formula E World Championship race? तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या? हैदराबाद। नेक्स्ट चलते दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज है आज की, न्यूज नंबर 10। Delhi Bangalore, one of the top performing global airports of 2022. The COVID-19 epidemic created a difficult operational environment last year, causing delays, interruptions and resource issues at numerous airports and airlines around the globe. According to the most recent Cirium aviation analytics study, a number of airports worldwide thrived despite this environment. Bangalore's Kippegowda International Airport and Delhi Indira Gandhi International Airport both ranked 2nd and 7th in Cirium's list of world's best performing airports of 2022. According to the data, while 84.08% of 2,01,897 flights are departed on the time of Bangalore's Kippegowda International Airport, 81.84% of flights are departed on the time of Delhi IGI Airport. तो यहाँ पर दिल्ली और बैंगलोर, ठीक है, दिल्ली और बैंगलोर टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 की लिस्ट में यहाँ पर आए हैं दोस्तों, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में भी अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों के साथ, तो मुझे आप लोगों को डेफिनेटली टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबली एयरपोर्ट्स के मेरे को नाम बताना चाहिए आपको। तो सबसे पहला विश्व का जो बेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर माना गया है, ठीक है, वो हो गया आपका हनेडा एयरपोर्ट टोक्यो का, जापान का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर वही मैं दूसरे नंबर में बात करूं तो बैंगलोर आ जाता है हमारा, ठीक है, बेंगलुरु, ये ध्यान रखिएगा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद आता है आपका यूएस का, ठीक है, यूएस का सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है,
उसके बाद मिशिगन का आता है, फिर आता है आपका, फिर यूएस में आता है, फिर माइनसोटा का आता है, यूएस में आता है, वो भी सातवें नंबर पर आता है दिल्ली, ठीक है, सातवें नंबर पर कौन सा आता है, दिल्ली एयरपोर्ट आता है, उसके बाद दोस्तों फिर आता है आपका यूएस का, फिर आता है कोलंबिया, और फिर वापस से यूएस, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया के दो एयरपोर्ट का नाम आया, दूसरे नंबर पर बेंगलुरु और सातवें नंबर पर दिल्ली एयरपोर्ट का, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सीरियम इशूड अ लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 इन विच डैश इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉन सेकेंड रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, हमने बताया सेकेंड नंबर पर आया बैंगलोर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के फोन स्क्रीन पर आ जाए। दोस्तों शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चाहते हैं। साथ ही साथ डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, जहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ सबसे पहले मिलेगी, और वहां पर मेरे द्वारा कुछ एमसीक्यूज अपलोड किए जाते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बना सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं एग्जाम का कैसे होता है, ठीक है। तो बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।